पीछे जाके देखा तो एक कुआं था और पत्थर लगा के बंद कर दिया था, पेड़ के पत्ते बिकते ऊपर से गिरे हुए थे, वो बाजू हटा के हमने देखा यहाँ कुआ है। बोले सर आपको कैसे मालूम यहाँ कुआ है? बोला मुझे भी नहीं मालूम, मैंने ऐसे पूछा, शायद मेरा कोई इंट्यूशन होगा, पता नहीं है मुझे। बोले कुआ तो है। फिर बोला यहाँ पर इस कुएं के अंदर सोना है, आपको कुछ पता है? गोल्ड। नहीं साहब, इसके अंदर कौन गोल्ड डालेगा, यहाँ कहाँ आया। हमारे साथ में एक जो ट्रस्टी थे वो बुजुर्ग थे, काफी उम्र थी उनकी, तो वो मेरे बाजू में आ गए और मेरे पूछे, बोले बेटा तेरे को कैसे मालूम कि इसके अंदर सोना है? बोले मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं है? बोले देखो यहाँ पर कुछ कथा है, हम लोग यहाँ कभी आते नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मगर यहाँ पर जो कथा लिखी है या लोग कहते हैं कि भाई इस मंदिर में पहले कहीं हल्ला हुआ था, जब यहाँ का पुजारी था उसने भगवान के सब गहने उठा के उस कुएं में डाले हुए हैं और वो सोना इस कुएं के अंदर आज तक है। ऐसे बोले मगर आप जो पूछ रहे हैं वो इसका रिलेशन में ऐसे आ सकता। बोला बिल्कुल वही है, इस तरह से ही हो सकता है। और यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया, आई वॉज दैट पर्सन दैट पुजारी इन माई लास्ट बर्थ, और वही मैं आज हूँ। मगर वो कर्नाटक यानी कन्नड़ पंड्या था उस जन्म में, इस जन्म में मैं जैन कुटुंब से हूँ। और यहाँ पर फिर मैंने ट्रस्टियों को सारी बातें बताई कि नाड़ी पट्टी ने मुझे किस तरह से गाइड किया और उसने ये जो बताया ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी ढूंढने के लिए, क्या नाड़ी पट्टी में लिखी हुई बात सच होती है या कुछ फेक बातें हैं। ये अपने हिसाब से जब तक हम खुद इसको चेक नहीं करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आती, या तो हम अंधश्रद्धा में निकल जाते हैं। ये समझने के लिए मैंने ये सब यहाँ तक समझ लिया। अभी उसके बाद आप वापस गए, वहाँ वो मंदिर की क्या पोजीशन है इस वक्त? अब वापिस जाने का कारण ऐसे रहा कि वहाँ से तो मैं ये सब ढूंढ के आया, फिर मैं तो बेंगलोर भी गया, उस दूसरे फैमिली को मिला, वहाँ बुक्स देखे उनके परिवार के, सब किताब में फोटोग्राफ्स वगैरह देखे, वो सब देखने के बाद जब मैं पुणे आया, पुणे में यहाँ से महर्षि जो थे जिन्होंने पट्टी बताई थी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला ठीक है आपने जितना चेक किया उतना ठीक कर दिया, अभी ये जन्म में आप अलग हो, वो जन्म आपका अलग था, आप अभी शांत हो जाइए, अभी आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। मगर बाद में कुछ महीनों के बाद में विंग कमांडर मिस्टर शशिकांत भोग, इनका मुझे फोन आया कि भाई आपने ऐसे ऐसा कुछ ढूंढा है तो इसके बारे में मुझे बात करनी है। वो एक उन्होंने मेरे साथ में कुछ बातें की, उन्होंने जो हुआ था वो मैंने बता दिया कैसे। फिर उसके बाद में मानो या ना मानो जो एपिसोड बनाते हैं वो लोगों का मुझे फोन आया कि आपका हमें इंटरव्यू लेना है और उसके बारे में कुछ शूटिंग करनी है तो आप हमें टाइम दे दो। और वो जब मेरे पास आए तो उनको मैंने सब बातें बताई, उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर वो बोले कि हम लोग ऐसा विश्वास नहीं रखते हैं, मगर अगर वो जगह आप मुझे बताएंगे, वो फैमिली को आप हमें मिला है और ये बातें जो आप कहते हैं ये है वहाँ पर, तो हम उसको आगे जाके देखेंगे। बोला मैं क्यों नहीं बताऊँ, मैं जो मैं जाके आया हूँ वो मैं बता सकता हूँ। तो वो मानो या ना मानो टीम के साथ मैं वापिस दोबारा तलकावेरी और मणिकेरी और अवंतू इस जगह पर पहुँचा। मगर एक बात मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार गया था और जब ये मेरी बातें ट्रस्टियों के साथ पे हुई, उस वक्त मैंने ट्रस्टियों को एक बात बताई कि सर ये मंदिर बहुत पुराना है और मैं ही यहाँ का पुजारी था, मैंने ही ये सब बातें की हुई है और मैं तलकावेरी के जो पुजारी उनके रिलेशन में हूँ और ये ऐसी ऐसी बातें अभी एक करिए, आज तक जो भी एक्सीडेंट होते होंगे मगर इसके आगे आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर लीजिए, इसको बना लीजिए, ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर हो सकता है, तो आप इसको बना लीजिए, यहाँ की ट्रस्ट बनाइए, मेरे तरफ से होती है वो मदद मैं करूँगा, एक धर्म का काम है अच्छी तरह से मैं भी। और इसके कारण जब मैं दोबारा वहाँ पर गया मानो या ना मानो टीम के साथ में, तो मैंने सब अलग देखा, अलग इस तरह से देखा कि जब आवनपुर पहुंचा तो वो भगवती मंदिर था, वहां से पूरा रास्ता गाड़ी जाने का, फोर व्हीलर कार जाने का रास्ता मंदिर तक बनाया हुआ था। और मैं हम लोग जैसे उस मंदिर के पास में जाते थे कार के अंदर से, तो सामने से कई फैमिलियां आती थी, मियाँ बीवी बच्चे साथ में वहां से कुछ आते थे, तो मैंने उन लोगों को जो वहां के ट्रस्टी थे आज के जो ट्रस्टी है वहां पर उन्होंने ट्रस्ट मंदिर से बना दिया, वो भी हमारे साथ, उनको
गए, तो बोले सर ये मंदिर बहुत अलग बन गया है अभी, अब जब आए थे तब अलग था क्योंकि तब तो जंगल था जाने का रास्ता, आज तो फोर व्हीलर जाने की वह सुविधा हो गई। वहां जाके देखा पूरा साफ सुथरा बनाया हुआ, मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर रहे हैं, कुछ आजू बाजू का एरिया सब बना दिया है, ट्रस्ट स्थापन हो गया है, मंदिर के ड्राइंग्स बन गए हैं और वहां मंदिर बन रहा है। तब जाके वो ट्रस्टी के जो चेयरमैन थे वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया सर आप जाने के बाद मडिकेरी वालों ने हमें यहाँ पर ट्रस्ट बनाया, यहाँ का मैं अध्यक्ष बना हूँ और ये मंदिर हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और क्या मालूम पता नहीं मगर यहाँ पर जिनको बच्चे होते नहीं है ऐसी कोई भी फैमिली आज यहाँ पर आती है और दर्शन लेती है प्रार्थना करती है तो उनको बच्चे होते हैं ऐसे लोगों का मानना है और ऐसे किस्से हुए हैं हमारे यहाँ, तो ये बहुत सिद्ध मंदिर मानते हैं इसके लिए यहाँ भीड़ होती है, लोग आते हैं और इसके लिए यहाँ पर मानते हैं। ये आज का वहाँ पर है जो मेरा मानो या ना मानो के साथ में उस वक्त एपिसोड हुआ था जो नवंबर 2010 में प्रकाशित हुआ। सचमुच में डॉक्टर दिलीप नाहर आप बहुत कम लोगों में से होंगे जो अपनी नाड़ी में जो बताया गए जगह पे गए और इतने सारे चेंजेस करे, वो भी एक महर्षि की कृपा रही होगी आपके ऊपर। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब आपके जीवन में अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब जो हुआ और नाड़ी से आपको जो पता लगा उसको आपका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस वक्त क्या फायदा हुआ है? फायदा तो सर जरूर हुआ है क्योंकि ऐसा है कि वैसे मैं जैन कुटुंब से हूँ, धर्म को तो वैसे ही मैं मानता हूँ, कर्म से भी मानता हूँ और पुनर्जन्म को भी मानता हूँ। ये तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि नाड़ी पट्टी में जो है उसको जांच करना, चेक करना, बाकी तो मेरा कोई उद्देश्य था नहीं। मगर यह बात मेरे समझ में आ गई कि उस वक्त उस जन्म में मैंने जो कुछ भी किया गलत किया होगा, जैसे शादी बनाई, लोगों के पैसे लिए और उसका परिणाम जो आज मेरे जीवन में हो रहा है क्योंकि कई कई लोगों के बच्चों के जीवन मेरे कारण उस जन्म में खराब हुए हैं, तो हो सकता है इसका इफेक्ट मेरा मेरे ऊपर आना है और वो मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट आ रहा है। तो और जो मैं अभी काम करता हूँ वास्तु एनर्जी साइंस का, ये भी एक धर्म से जुड़ा हुआ मेरा शास्त्र है, तो इसमें अगर मैं ये समझता हूँ कि इस जन्म में अगर मैं नीति से काम करूँ, मैं लोभ मोह में मैं नहीं आऊँ और जितना जरूरी है उतना उस तरह से काम करूँ तो मेरे जो बुरे कर्म है वो कर्म नहीं बनेंगे, जितना मैं अच्छा काम करूँगा नेचुरली उसका बेनिफिट मुझे मेरे आगे के जीवन में, भले इस जीवन में या उसके आगे के रिबर्थ में, आगे के बर्थ में कहीं ना कहीं तो होना ही होना है, ये पक्का है और मेरे कर्म बांधने से मैं मुक्त हो जाता हूँ। इसके कारण इस जीवन में मैं मेरी पूरी फैमिली एक धर्म को लेके, नीति को लेके अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो सके हम बुरे कर्मों से दूर हुए हैं, गलत कर्मों से दूर हुए हैं, ना मैं प्रोफेशन में कोई गलत काम करना चाहता हूँ, नहीं करता हूँ और ना ही मेरे घर वाले भी कोई करते हैं, ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा फायदा है। आखिर सवाल आपके लिए नई पीढ़ी के लिए कोई मैसेज हो इस अनुभव के कारण? नई पीढ़ी के लिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि आजकल के बच्चों या आजकल के जमाने के हिसाब से हर आदमी, सिर्फ नई पीढ़ी नहीं जो भी हम उम्र भी है, ये सब लोग एक सिर्फ पैसे के लिए फिर एक प्रकार हमें सिर्फ पैसा कमाना और पैसा ही सब कुछ करता है, उसके लिए गलत रास्ते अपनाने के लिए बहुत जल्द उसके पीछे भागते हैं और उसका परिणाम आज तो कुछ हो रही है, हम तो सुख सुविधा है, सब कुछ है, इतना गलत कर दिया कुछ नहीं हो रहा है, ये जो एक महसूस लोगों को होता है ये गलत फहमी है। आज आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पूर्व कर्म से आपको आज कुछ अच्छी बातें मिलती होगी, मगर जो कर्म है अभी कर रहे हैं इसके कारण आपको आगे कहीं ना कहीं ये भुगतना है, अगर इतना भी समझ ले और उसके कारण हम अगर अच्छे से अच्छे कर्म, नीति से कर्म करें, धर्म से कर्म करें तो हमारा जीवन तो सुखी होगा ही होगा, समाज भी सुखी और शांत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए।